हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिसे हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो काफ़ी समय और पैसा लग जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली के जो बचे हुए दिए होते हैं उनकी हेल्प से भी आप अपने घर और किचन के कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर सकती हैं, साथ ही खाने का स्वाद भी कई गुना बढ़ा सकती हैं, जिससे आपके मुश्किल काम आसान हो जाएंगे, काफ़ी पैसे की बचत भी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी सबसे पहली टिप यहाँ पे इस तरह से दिए को लेकर के देखिए, दिवाली में इस तरह से हम लोग दिए को तो जलाते ही हैं। आपने देखा होगा जब दिए जल जाते हैं तो कोई कोई बातियाँ सूखी रहती हैं, किसी में तेल वगैरह रहता है, तो आप इनको ऐसे ही बेकार समझ करके ना फेंकें। आप कई तरीके से इनको यूज़ कर सकती हैं, सारे आइडियाज़ मैंने इसमें बताए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस तरह से जितनी भी बातियाँ आएँ आप एक जगह इसको निकाल करके अलग कर लीजिए। इसका भी यूज़ मैं बताऊँगी आप कैसे कर सकती हैं। यहाँ पर क्या करना है, गुनगुने पानी में थोड़ा सा सर्फ डालना है, डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप यूज़ करती हैं डाल लें, और जो भी दिए आपको धुलने हैं पुराने ताकि उनकी चिकनाहट पूरी तरह से निकल जाए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और भीगने के बाद हल्के से हाथों से रगड़ने के बाद आप इसको निकाल दीजिए और दिए को सूखने खातिर रख दें, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दियों को सुखा लिया, सूख भी अच्छे से, ऐसे धुल भी हैं, इसमें कोई भी चिकनाहट वगैरह नहीं है। चलिए आपको बताऊंगी इनको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह जब हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं या शाम को बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसका स्वाद कुछ अलग होता है, लेकिन हम लोग जो बाहर पीते हैं उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंस होता है। हांडी वाली जो चाय पीते हैं, हुंडे वाली चाय, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है। हम लोग सोचते हैं ऐसी चाय हम लोग घर पर बना लें, तो बस आपको क्या करना है, पुराना दिया लेना है इस तरीके से, दिए को आपको गैस के ऊपर रख देना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दिया बहुत ही अच्छे से गर्म होने लगेगा, इस तरह से हल्की हल्की इसमें आग पकड़ने लगे, बस इतनी देर तक आपको दिए को जलाना है, बहुत ज़्यादा देर तक। आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर इस तरह से दिया अच्छे से जलने लगेगा। अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम बंद कर देना है। जैसे ही चाय आपकी पूरी बन जाती है आप तुरंत इस तरह से दिए को इस तरह से चाय के अंदर डाल देंगी। आप देखिएगा जो हम लोग हुंडे वाले चाय पीते हैं ना, उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। आप उसी तरह की चाय घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना पैसा खर्च किए, सिर्फ एक पुराने दिए की हेल्प से। आप यहाँ पे करीबन 5 मिनट के लिए चाय को ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद देखिएगा जितना भी दिए का फ्लेवर है ना, एक सौंधापन इस चाय में आ जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से चाय को पियेंगे, घर के जिस भी सदस्य को देंगी उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं बाहर जा करके हुंडे वाली चाय पी रहे हैं। तो ये देखिए इतनी टेस्टी चाय आप घर पे बना सकती हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। तो इस दिवाली में जो निकले दी है तो एक बार इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से मिक्सी जार को लेकर के, देखिए मिक्सी का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, आपने देखा होगा जो जार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं घर में मसाले पीसने हो या कोई भी चीज़ें पीसनी हो, आपने देखा होगा कुछ समय बाद हल्का सा ये जाम होने लगती है इसकी ब्लेड। अगर हम लोग ज़्यादा दिन तक ना चलाएं, कुछ दिन और ना चलाएं, तो इसकी जो ब्लेड होती है बहुत ज़्यादा जाम चलने लगती है, या कुछ जार हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो रख के जाम हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो दिवाली में जिस तरह के दिए बचे होते हैं ना, हल्का सा ऑयल वगैरह लगा होता है बाती में, तो आप इसको निकाल कर रख लीजिए, इसको ना फेंके। आपको क्या करना है, दिवाली से इस तरह से बाती को आप लगा लीजिए। निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जहाँ पे ज्वाइंट होता है ना चार का, इस जगह पे आपको लगा देना है। देखिए बाती तेल से भीगी होती है अच्छे से, जिसमें क्या होता है आप ज्वाइंट की जगह पे रखेंगे तो पूरा अंदर तक ही ग्रीस हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली ऑयल वगैरह डालते हैं जिससे इसका टाइटपन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आराम से बिल्कुल फ्री होकर इसकी ब्लेड चले। तो आपको इस तरह से बातियों को रख देना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, ऊपर नीचे हर तरीके से आपको ऑयलिंग कर देना है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बातियों में इतना तेल रहता है कि वो धीरे धीरे इस तरह से जितने भी ज्वाइंट जाम हो गए ना उनको बिल्कुल फ्री कर देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाती को इस तरह से पहले चारों तरफ घुमा दिया है, आप चाहे तो इसको ओवरनाइट ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखेंगे जो ब्लेड जार की बहुत ज़्यादा टाइट चल रही थी, घूम नहीं रही थी, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही अच्छे से वर्क भी करेगा। तो ये सिंपल सा आइडिया है, बहुत ही यूज़फुल है, आप आराम से मिक्सर जार को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा भी आइडिया शेयर करती हूँ, आपने देखा होगा मिक्सी जार में हम लोग कुछ ना कुछ मसाला पीसते हैं, लहसुन प्याज या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे स्मेल इसके अंदर बनी रहती है। पूरी स्मेल कैसे निकालें, काफ़ी बद्धा लगता है इसकी स्मेल निकालने के लिए, तो सिंपल सा आइडिया बताऊंगी। मिक्सी जार में किसी प्रकार की कोई भी स्मेल आ रही है इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बची हुई बातियाँ हैं ना आपको इस तरह से कोई भी बड़े दिए में ले लेना है या कोई भी बर्तन जो ले लेना आप ले लीजिए, मैं इसका इस्तेमाल करती तो मैं उसी दिए में बता रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है तेज पत्ते थोड़े से और इस तरह से कट करके डाल देना है, क्योंकि जो मिक्सी जार की जो स्मेल होती है बड़ी सी अजीब आती है, तो हम लोग चाहे अच्छे से इसको वॉश करें तब भी वो स्मेल नहीं जाती, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके जो बैड स्मेल जार से आ रही है ना पूरी तरह से रिमूव
कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए बातियों में इस तरह से आपको हल्की सी आग लगानी है ताकि तेज पत्ता बाती अच्छे से जल जाए। यहाँ पे मैंने लौंग डाला है, तेज पत्ता डाला, बस अब आपको कुछ नहीं डालना है, इतनी चीज़ें आपको डालनी है, अच्छे से आग लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे तेज पत्ता जलेगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से इसको थोड़ी देर जल जाने देना है। जैसे ही इसकी आग खत्म होती है, धुआं निकलने लगता है, आपको क्या करना है, तुरंत जार को लेना है, इसके ऊपर इस तरह से बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो तेज पत्ता और लौंग हमने डाली है ना, उसका धुआं जितना भी जार में स्मेल होगी, बैड स्मेल, उसको पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। क्योंकि जिस जार को हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इस तरह से पूरी स्मेल खत्म हो जाएगी, अच्छी सी आपके जार से खुशबू आने लगेगी। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने तेज पत्ता लौंग जलाया है, तो आप इसमें कपूर डाल के अपने घर में चारों तरफ रख सकती हैं, जिससे मक्खी मच्छर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से बातियों का इस्तेमाल कर सकती हैं, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी, यहाँ पे आटा छानने को आपने देखा होगा, जैसे घर में आटा हम लोग लाते हैं, उसको छानते हैं, रोज छानते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं इकट्ठा छान के रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं या किसी चीज़ से सिर्फ छानते हैं ताकि जल्दी से छन जाए। अगर हम लोग इस तरह से आटे को छानते हैं तो काफ़ी टाइम भी लगता है। तो सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, यहाँ पे लेना है आपको एक दिया इस तरह से लेना है, या धुला हुआ जैसे मैंने धुल के रखे थे उसी के इस्तेमाल सारे बता रही हूँ। इस तरह से दिया आपको लेना है, इसको पलट करके रख देना है। उसके बाद आप आटे को छानेंगे ना, तो आप देखिएगा मिनटों में चलनी से आटा छन करके बाहर हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप नॉर्मल तरीके से खाली बिना दिए के आटा छानेंगी तो टाइम लगेगा, लेकिन दिया टाल करके आप आटे को छानेंगी, मिनटों में छन जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए आपको एक बार और दिखाती हूँ कि कितना आसान तरीका है, बगैर हाथ लगाए आप आटे को मिनटों में छान सकती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा सिर्फ दिए की हेल्प से। तो बस इस दिवाली में जो भी दिए आपके बच्चे हों, आप दियों का इस्तेमाल हर तरीके से कर सकती हैं, अपने मुश्किल काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकती हैं। मैं देखिए दोबारा भी मैंने आटा लिया, इस तरह से आपको छान लेना है और बस मिनटों में काम हो जाएगा, मिनटों में आटा भी छन जाएगा। छोटी छोटी टिप है लेकिन बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम आने वाली। अगली टिप मेरी यहाँ पे चाकू और कैंची को लेकर के, देखिए चाकू और कैंची का इस्तेमाल हम लोग अपने घर और किचन में रोज़ करते ही हैं, आपने देखा होगा धीरे धीरे इसकी शार्पनेस जाने लगती है। कोई भी चीज़ हम लोग कट करते हैं तो अच्छे से कट नहीं होता है, तो इसकी शार्पनेस आप घर पे इजी तरीके से बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे लेना है आपको दिया, पुराना दिया लीजिए, नीचे वाला पार्ट या आगे वाले पार्ट से आप इसको अगले अगले हाथों से घिसेंगी ना हल्के से, तो आप देखेंगी जो चाकू है तो बहुत अच्छे से शार्प होने लगेगी। देखिए एक शाइन आ गई है। तो ये भी सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप ये काम कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा चाकू लिया है, तो इस तरीके से पुराने दिए का हेल्प से आप घर पे ही कैंची चाकू धार अच्छे से कर सकती हैं, कोई भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका है, मिनटों में हो भी जाता है। तो छोटे छोटे जुगाड़ जो आपके साथ शेयर किए हैं बहुत ही काम आने वाले हैं। आप घर की बड़ी कैंची या छोटी चाकू कुछ भी पिलर वगैरह आपको अच्छे से शार्प करनी है तो बस पुराने दिया का इस्तेमाल करिए। दिया का जो पीछे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उससे आप देखेंगे मिनटों में कैंची और चाकू को शार्प कर पाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सिंपल सा आइडिया, बगैर पैसा खर्च किए आसान तरीके से मुश्किल काम आसान कर सकती है। चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ पे चाकू धुल करके कितने आसान तरीके से आप सारे काम को आराम से कर सकती हैं। देखिए चाकू कितने अच्छे से शार्प हो गए हैं, कैंची भी, तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। यहीं पे वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप मेरा वीडियो किस गांव या शहर से देख रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके।